दोस्तों वन प्लस लवर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी वन प्लस 12 की पेशकश हो सकती है और इसके फीचर्स को लेकर नई अपडेट सामने आई है। दोस्तों रेंडर्स में बदलाव हुआ है और वन प्लस 12 के लॉन्च डेट की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। दोस्तों स्मार्टफोन की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वन प्लस 11 की तरह ही इसके सक्सेसर में भी सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल दिखाया गया है। दोस्तों नया वन प्लस 12 लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 3 से लैस होगा और साथ में एड्रीनो 750 जीपीयू और LPDDR5X रैम के साथ साथ UFS 4.0 स्टोरेज मिलेगा, जो डिवाइस को गेमिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शंस बना सकता है। दोस्तों हैंडसेट एंड्रॉयड 14 पर आधारित होगा और इसमें अलर्ट स्लाइडर और पावर बटन को राइट साइड में देखा जा सकता है। दोस्तों वहीं लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर मिलता है और फोन 6.7 इंच QHD प्लस OLED डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। दोस्तों इसके कैमरा में भी कंपनी ने बदलाव किया है। दोस्तों नई रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल IMX 9XX प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और दोस्तों वही फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलने की संभावना है। दोस्तों कहा जा रहा है कि OnePlus 12 में 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और 150 वाट वायर्ड चार्जिंग के साथ आएगा। दोस्तों साथ में 50 वाट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा और आपको बता दें कि OnePlus ने आधिकारिक तौर पर डिवाइस से जुड़ी अपडेट साझा नहीं किया है, इसलिए ये कंफर्म नहीं है कि OnePlus 12 कब तक इंडिया में लॉन्च होगी। तो दोस्तों हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं हमारे नए वीडियो में।